तो क्या कल फाइनली रॉ रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स वापस आएंगे WWE में? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, जो कल का रॉ का एडिशन होगा, रॉ रेसलमेनिया स्पेशल एडिशन होगा और भाई पूरे तरीके से स्टैक्ड शो होने वाला। रोंडा राउजी, चार्लोट फ्लेयर, बेकी लिंच, बियांका बेलेयर, लेसनर, रोमन, आरके ब्रो, उसो, अरे भाई साहब इतने सारे लोग आ रहे कल के रॉ रेसलमेनिया के एडिशन में। लेकिन क्या कल फाइनली आ सकते कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ में या फिर नहीं? रिसेंट टाइम में इसको लेकर कुछ स्पॉयलर्स आ चुके सामने, क्या होगा सेथ और कोडी रोड्स का उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिन बैलर को रेसलमेनिया के अंदर मैच मिलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी एक गुड न्यूज आई है सामने। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेकर भी कुछ डिस्टर्बिंग स्टैट्स आए सामने जिनको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। एंड अगर रिकोशे को मैच नहीं मिला ना रेसलमेनिया के अंदर, वो स्टैट्स और बदतर होने वाले। प्लस विंस मैकमैन के सही में मास्टरमाइंड है रिसेंटली हुए ऑस्कर को लेकर कांड के बारे में, जहां पर विल स्मिथ ने लगा दी चमाट क्रिस रॉक के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते पहले वीडियो को एक क्विक अपडेट के साथ में, हमारे केविन ओवंस के बारे में जुड़ी। एक बार मंडे नाइट रॉ एडिशन में हमने देख ही लिया केविन ओवंस के अंदर कितना टैलेंट है, वो स्टोन कोल्ड बन के आए थे। तो ये जो स्टोन कोल्ड वाला केविन ओवंस है WWE रीसेंट टाइम में इसे और भी ज्यादा बढ़ावा देती हुई नजर आती है। WWE क्या करती है, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक जो एंट्रेंस वीडियो क्लिप है ना स्टोन कोल्ड की, वो रिवील करती हुई नजर आती है। लेकिन गेस व्हाट, ये केविन ओवंस वाला वर्जन है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और WWE भाई ऊपर लिखती भी है कि हमारे केविन ओवंस स्टोन कोल्ड वाले हैं और ये उनका पूरा यू नो फलाना फलाना एंट्रेंस थीम सॉन्ग टाइप्स है। अगर आप जाके चेक करोगे WWE ने सारे मोमेंट्स एडिट कर दिए हैं, यानी कि जो सांप वगैरह दिखता था वो सेम है, लेकिन जब स्टोन कोल्ड की शक्ल आती थी उनके एंट्रेंस वाले वीडियो के अंदर, वहां पूरे तरीके से केविन ओवंस को एडिट कर दिया गया। अब WWE पूरे तरीके से इस चीज को बढ़ावा दे रही है, इस चीज को यू नो आगे प्रमोट कर रही है। और भाई जो मर्जी कह लो, केविन ओवंस डेफिनेटली काफी एंटरटेनिंग है और कुछ इस वे में WWE अभी फिलहाल स्टोन कोल्ड और केविन ओवंस की राइवलरी को कर रही है बुक। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है, हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द वन एंड द ओनली रिकोशे के बारे में जुड़ी है। अब नहीं लग रहा भैया कि रेसलमेनिया 38 के अंदर WWE रिकोशे को कोई मैच देने वाली है। WWE के पास रिसेंटली मंडे नाइट रॉ में अच्छा खासा मौका था। हम्बर्टो वगैरह ने मंडे नाइट रॉ नहीं सॉरी स्मैकडाउन के अंदर हम्बर्टो और एंजल गार्सिया दोनों ने मिलकर हरा दिया रिकोशे को। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, हार गए भैया, रेसलमेनिया के लिए मैच ऑफिशियल होगा। लेकिन WWE आने वाले स्मैकडाउन के एडिशन के लिए इनका ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल कर देती है। और रिसेंट टाइम में जो स्टैट्स आए सामने उनके अकॉर्डिंग, जब लास्ट टाइम ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर डिफेंड हुई थी, वो था रेसलमेनिया 37। और अगर रेसलमेनिया 38 में रिकोशे अपनी IC टाइटल डिफेंड नहीं करते, देन गेस व्हाट, सीधा एक साल हो जाएगा और एक साल तक ये जो IC टाइटल है किसी भी पेपर व्यू में किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर डिफेंड नहीं होगी, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वाहिया चीज है। एक टाइम पीरियड था जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप काफी तगड़ी मानी जाती थी, जब मिज हमारे चैंपियन थे, जिगलर हमारे IC चैंपियन थे, वो टाइम एक अलग ही टाइम पीरियड था, उस टाइम IC टाइटल की वैल्यू लगती थी। लेकिन रिसेंट टाइम में WWE ने क्या फंडा बना लिया है कि उन सुपरस्टार्स को टाइटल दो जिनको यू नो फैंस देखना चाहते हैं, पुश वगैरह मिले, नाकामुरा को मिले, रिकोशे को मिल गई। लेकिन भैया सिर्फ टाइटल थमा नहीं देनी होती, उन्हें मैचेस भी देने पड़ते, वो भी पेपर व्यूज के अंदर या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट जो मर्जी कह लो। लेकिन भाई ये कुछ डिस्टर्बिंग स्टार्ट आया सामने। सोच लो अगर रेसलमेनिया 38 में रिकोशे को मैच नहीं मिला तो भैया एक साल हो जाएगा। लास्ट टाइम बिगी वर्सेस अपोलो क्रूज रेसलमेनिया 37 में नाइजीरियन ड्रम फाइट हुआ था, उसके बाद से अब तक कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट में टाइटल डिफेंड नहीं हुई है। लेट्स सी रेसलमेनिया 38 के अंदर क्या होता है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है वंस कैनेडी मैकमैन के बारे में। अब रिसेंट टाइम शायद काफी लोगों को पता लग ही गया होगा, ऑस्कर का जो पूरी अवार्ड की सेरेमनी टाइप होती है, यहाँ भाई रिसेंट टाइम एक तगड़ा वाला कांड हो चुका है आज से कुछ घंटे पहले। और विल स्मिथ जो कि काफी पॉपुलर हॉलीवुड के एक्टर हैं, आपने मैन इन ब्लैक की मूवी में देखा होगा, जिन लोगों ने मूवी देखी होगी, मैंने इनकी सिर्फ यही मूवी देखी है। अब देखो होता है कि यहाँ पर वो आते हैं और उनकी वाइफ वगैरह बैठी होती है, उन्हें आगे बेस्ट एक्टर का इस साल अवार्ड मिला ऑस्कर के अंदर। और जब एंकर हमारे क्रिस रॉक जो कि यहाँ पर होते हैं, वो कुछ बातचीत करते हैं और मजाक उड़ा देते हैं और थोड़ा यू नो फनी वे में उनकी वाइफ का नाम यूज करते हैं, तो उसके बाद होता है कि भैया विल स्मिथ को गुस्सा आता है, वो उठ के जाते हैं हंसी खुशी चमाट लगाते हैं, आके बैठ जाते हैं और दोनों के बीच में थोड़ा गाली गलौज टाइप हो जाता है। कुछ इस वे में जो चीजें में ट्रेंड करती हुई नजर आती है। और भाई साहब क्या अट्रैक्शन मिले वर्ल्ड वाइड इस चीज को, 40 मिलियन, 50 मिलियन, वो भी 4 घंटे के अंदर व्यूज आ चुके हैं। लेकिन WWE फैंस की जो दुनिया वो अलग ही होती है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, होता है ट्विटर के ऊपर हमारे विंस कैनेडी मैकमैन ट्रेंड करते हुए नजर आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और फैंस का यहां पर ये मानना है कि जो पूरा कांड हुआ ऑस्कर वाली चीज के अंदर, ये विंस मैकमैन का प्लान है, ताकि इन फ्यूचर वो इस चीज को अपनी WWE की स्टोरीज में भी यूज कर सके। अब WWE सेलिब्रिटीज का यूज करती है हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या वो विल स्मिथ जैसे बड़े हॉलीवुड एक्टर्स का यूज करेगी इन फ्यूचर या फिर नहीं? अब देखो मेरे हिसाब से स्क्रिप्टेड ही थी ताकि ऑस्कर को थोड़ा यू नो मिल सके स्पॉटलाइट टाइप, आप ये जो मर्जी कह लो। वैसे यहाँ पे हाँ व्यूज आ जाते हैं
डब्ल्यू वाले कह रहा हूँ मैं, ऑस्कर वालों के। लेकिन भाई जब कांड हो गया तो एक तरह की चीज बन गई ना कि ये वाला ऑस्कर था जहाँ पर विल स्मिथ ने चमाट मारी थी क्रिस रॉक के। अब मुझे नहीं पता विंस मैकमैन इस चीज के मास्टर माइंड है या फिर नहीं, लेकिन भाई रिसेंट टाइम में ये कुछ कांड हुआ है और डब्ल्यू फैंस का, प्रो रेसलिंग फैंस का ये मानना है कि इस पूरे कांड के पीछे विंस मैकमैन का हाथ है, क्योंकि अगले साल रेसलमेनिया 39 होने वाला जो कि हॉलीवुड में होगा और शायद डब्ल्यू उसका यहाँ पर यूज करने वाले। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है कि भाई शायद हो भी सकता है, क्योंकि विंस मैकमैन को कुछ भरोसा नहीं। जो इंसान डोनाल्ड ट्रंप को ला सकता है अपने शो के ऊपर, वो क्या नहीं कर सकता है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द डीमन किंग फिन बैलर के बारे में। फिन बैलर को भी अभी तक रेसलमेनिया के अंदर मैच नहीं मिला, और अगर मैं बात करूं आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, तो वहां पर फिन बैलर को अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के लिए कंफर्म कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से रिकोशे का कोई स्कोप दिख नहीं रहा है, तो क्या जो फिन बैलर है उनको भी रेसलमेनिया के अंदर मैच नहीं मिलने वाला है? तो इसको लेकर रिसेंट टाइम में डेव मेल्सर की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आती हैं सामने, और डेव मेल्सर ये बात रिवील करते हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो मैच है वो अभी भी रेसलमेनिया के अंदर होगा, और एज सच ये जो मैच है वो शेड्यूल किया जा रहा है रेसलमेनिया 38 के लिए, जो कि मेरे हिसाब से फॉर श्योर फिन बैलर के लिए एक काफी अच्छी न्यूज है। जो मैच होने वाला है वो ऑफकोर्स फिन बैलर वर्सेज डेमियन प्रीस्ट होगा यूएस चैंपियनशिप के लिए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यू यूएस टाइटल और आईसी टाइटल को बुक क्यों नहीं कर रही है? अभी आप अच्छे खासे मैचेस बुक कर सकते हो। आईसी टाइटल का लैडर मैच हो गया, शेमस कोफी इन सभी को उठा के डाल दो एक मैच के अंदर, क्या मैच बन जाएगा? बैलर वर्सेज डेमियन प्रीस्ट की रिवाइवल अगर आप अच्छे से बुक करते, आप डीमन फिन बैलर को वापस बुला सकते थे एज चैंपियन, वो भी रेसलमेनिया में, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो भी नहीं किया। लेकिन भाई उम्मीद मैं ये करूंगा कि एटलीस्ट फिन बैलर को एक मैच मिल जाए रेसलमेनिया के अंदर। आई मीन चैंपियन बना दिए वो चीज सही थी, लेकिन मैच डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं दे रही है वो चीज और भी ज्यादा बेकार और भी ज्यादा वाहियात लगती है। देखते क्या होता है रेसलमेनिया 38 के अंदर, लेकिन अभी फिलहाल डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग फिन बैलर को मैच मिलेगा रेसलमेनिया 38 में। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के कल होने वाले रॉ रेसलमेनिया के एडिशन के बारे में जुड़ी है। और क्या फाइनली ये वो मंडे नाइट रॉ का शो होगा जब कोडी रोड्स अपीयर होंगे? और क्या इसी रॉ के एडिशन में कोडी वर्सेस सेथ का जो मैच है वो ऑफिशियल होता हुआ नजर आएगा? जैसे मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग में, कल के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के लिए शार्लट फ्लेयर, बियांका बेलेयर, बेकी, भाई कितने सारे लोग अनाउंस है। रोमन ब्रॉक आ रहे कल के शो के ऊपर, उसोस वर्सेस आरके ब्रो के बीच में मैच होने वाला है, और भी बहुत सी चीजें ऑफिशियल है इस वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन के लिए। लेकिन रिसेंट टाइम में डेव मेल्जर इसको लेकर एक अपडेट देते हुए नजर आते हैं और बताते हुए उन्हें भी फिलहाल फ्रेश ताजा ये बातें पता लगी है। कल का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन होगा जो कि रॉ रेसलमेनिया होने वाला है, इसका जो मेन सेंटर पॉइंट होगा वो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की स्टोरी होगी। ये बड़ी चीज है क्योंकि कल शो के ऊपर रोमन ब्रॉक भी आएंगे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू जो मेन चीज है वो रोमन ब्रॉक के फ्यूड को लेकर नहीं चल रही कल के रॉ के एडिशन के अंदर, वो सेथ रॉलिंस के रेसलमेनिया की पोजीशन और कोडी रोड्स के रिटर्न के बारे में सोच रही है। स्टिल डेव मेल्जर कहते हैं चांसेस हैं कि कल कोडी रोड्स हमें अपेयर होते हुए नजर आए, इन दोनों का मैच और ऑफिशियल हो जाएगा रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन जो मेजर पॉइंट है, जो बड़ी चीज है, वो ये कल का मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर आपको सेथ रॉलिंस ही सेथ रॉलिंस दिखाई देंगे, और मेन इवेंट जो है फिर जो शो की एंडिंग है वो भी आपको सेथ रॉलिंस ही करते हुए नजर आने वाले हैं। इवन ये बताया जा रहा है कि जो सेथ रॉलिंस हैं उनके एक अलग से ग्राफिक पैकेज भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने तैयार कर लिए करके रॉ के एडिशन के लिए, जो कि बार बार दिखाएगी रॉ के पूरे यू नो उसमें कि विंस मैकमैन ने मीटिंग के अंदर बुलाया था, क्या हुआ मीटिंग के अंदर जानिए रॉ के मेन इवेंट के अंदर। तो भाई ये कुछ चीजें होने वाले कल के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर। जो मेन पॉइंट होगा मेरे कहने का मतलब ये, वो सेथ और कोडी होगा, और डब्ल्यूडब्ल्यू एक तरीके से हमें हिंट और पूरी तरीके से बात कंफर्म कर ही देगी कल के रॉ के एडिशन के अंदर कि सेथ वर्सेस कोडी इज गोइंग टू हैपन एट शोज ऑफ द शोज रेसलमेनिया 38। देखते क्या कुछ होता है, क्या कल फाइनली कोडी रोड्स अपीयर होंगे? मेरे हिसाब से 50-50 चांस है कल कुछ भी हो सकता है। देखते हैं सेथ रॉलिंस विंस मैकमैन की मीटिंग में क्या कुछ होता है, वो सारी चीजें कल मंडे नाइट रॉ में पता लग ही जाएंगी। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे कर देना वीडियो को लाइक, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।